फ्रेंड्स, आज रेस्टोरेंट वाला खाना बिल्कुल नाश्ते में घर पे। तो ये देखो, ये पेपर क्रंच है मकैन का, एंड ये चिली पोटैटो बाइट्स है मकैन, देन अमूल बटर, एंड ये है पिज़्ज़ा मिक्स, एंड अगेन दिस इज चीज। तो अभी हम ये शुरू करते हैं, एंड यस, ब्रिटानिया का ब्रेड यूज़ करते हैं जो काफ़ी अच्छा होता है बच्चों के लिए, मतलब टेस्टी होता है, उन्हें टेस्टी लगता है। तो अब हम शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट बनाना। आज वीकेंड स्पेशल है तो बिल्कुल नो रोटी, नो पराठा, नो पूरी, भी देसी स्टाइल। तो चलो अब हम ये गरम गरम तेल में डालते हैं। वो जो हम बाहर जाकर बार बार रिसाइकल्ड ऑयल में खाते हैं, इससे अच्छा घर पे लाके अपना फ्रेश ऑयल में छान कर बच्चों को दीजिए। कभी कभी ठीक है, लेकिन बहुत सारे चटनी की बात करें तो ये देखो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, मैं इसमें ब्रेड में लगाऊंगी, हरी चटनी है, ये मायोनीज है, एंड ये है नॉर्मल टमाटो सॉस। तो अब हम बस छान करके इसका मैं स्टफिंग करूँगी। ये इसमें अनियन बाइट्स है तो ये देखो, और बस हमारा फ्रेंच फ्राइज हो गया, एंड इधर उबल रहा है चाय हम इंडियंस को बिना चाय का सुबह सुबह तो, एंड ये देखो ये ताज़ा चाय है, ताज़ा मिक्स हर्बल टी है, ये सारी चीज़ें हैं। कभी कभी मैं प्लेन रेड लेबल को ताज़ा मिक्स हर्बल चाय में ना मिक्स कर देती हूँ, इसमें सारी चीज़ें हैं तो और ज़्यादा कड़क हो जाता है। तो ये देखो बस ये रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पोटैटो बाइट्स, उससे मैं स्टफ करती हूँ ब्रेड्स को। टिक्की खत्म हो गई है, टिक्की भी रखा था लेकिन वो टिक्की खत्म हो गई है, मायरू को सैंडविच वगैरह देती हूँ स्कूल के लिए ना, तो भी वो लेना है। तो मैंने सोचा पहले कि ये वाला फिनिश कर दिया जाए, उसके बाद नया टिक्की लिया जाए, क्योंकि फिर नहीं तो फिर चीज़ें पड़ी रहती है तो वो पुरानी हो जाती है। तो इतना अभी मेरे पास बचा था तो मैं अभी टिक्की के बदले में अभी ये वाला यूज़ करूँगी स्टफिंग में। ये भी अगर मैश कर देते हो तो इसमें भी अनियन का भी फ्लेवर है, अच्छा लगता है बच्चों को, और बहुत तीखा नहीं है। इसमें चीज़ भी है हल्का, ये बच्चों के लिए ही स्पेशली। मैं ये पिज़्ज़ा मिक्स हर्ब्स यूज़ करती हूँ, ये बहुत टेस्टी, मतलब बहुत अच्छा लगता है, इसका यम यम टेस्ट रहता है। ये मैं पहली बार लाई हूँ, इसका टेस्ट अभी देखते हैं कैसा है। नैपियन पिज़्ज़ा मिक्स है ये, तो बिल्कुल मैंने आज ही इसको सील को खोला है, अभी देखते हैं क्या टेस्ट आता है इसका। तो ये देखो ये पोटैटो चीज़ बाइट्स रेडी है। अभी बच्चे वेट कर रहे हैं मम्मा जल्दी। देखो ये सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी है, करके रखा है मैंने। तो अब मैं इसको एक एक सैंडविच बना के दिखाती हूँ। ये बिल्कुल इसको, ये जो बाइट्स है इसको मैश कर देना है, और ज़्यादा नहीं, इसको स्प्रेड कर दो, 3 से 4 एक में बहुत है, नहीं तो फिर आलू मतलब इसका टेस्ट आएगा ज़्यादा। यस, एंड ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, इससे बिल्कुल मतलब पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा नहीं डालती,
हरी चटनी बच्चों के लिए, तो ये भी बहुत ज्यादा नहीं ऐड करती। ये है टमाटो सॉस, थोड़ा बच्चों के लिए सॉस ऐड करना पड़ता है, उन्हें थोड़ा टेस्टी लगता है। एंड अब हम एक ये स्लाइस डालेंगे चीज का, कभी कभी बच्चों को चाहिए ही नहीं तो वो फिर बाहर के खाने का जिद करते हैं, तो हम घर में उन्हें ये सारी चीजें देती हूँ मैं। अगर आप ये सारी चीजें घर में खाओगे ना तो ये कुछ हद तक थोड़ा हेल्दी हो जाता है। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पिज्जा चीज पे ऐड करूंगी, क्योंकि ये पिज्जा तो है नहीं, ये सैंडविच है, तो ब्रेड ढक जाएगा, तो इसको मैं चीज के ऊपर डालती हूँ ताकि ये मिक्स ना हो, इसका टेस्ट आए। एंड यस, अब मैं एक ब्रेड से स्टफ कर देती हूँ इसे। एंड अब ये मेल्टेड, बिल्कुल मेल्टेड बटर है, मेल्टेड बटर लगाकर इसको लोहे के तवे में सेकोगे तो वाह बड़ा मजा आता है, इसका अलग ही टेक्सचर आता है, बेक करने का अलग ही आता है। मैं अभी बेक नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी अंदर की चीजें सारी गरम गरम पकी हुई है, तो मैं बस तो ये देखो एक तरफ मैंने बटर लगा दिया है एंड अब मैं ये गरम तवे पे रख रही हूँ। एंड अब दूसरे साइड में बटर अप्लाई करूँगी क्योंकि वहाँ मैंने नहीं किया था, नहीं तो सारा प्लेट्स में लग जाते। तो बिल्कुल मेल्टेड बटर लगाओगे तो काफ़ी अच्छे से स्प्रेड होता है, तो मैं फ्रिज से पहले ही निकाल लेती हूँ। अभी मैंने तेज नहीं किया था, देखो ये बहुत अच्छे से रेड होके निकलेगा। हाँ तो देखो आप ये कितनी अच्छे से सिक गई है एंड ये बिल्कुल, ये देखो आलू वगैरह सब गरम गरम था ना, तो फिर चीज़ अपने आप मेल्ट हो गया एंड ये ब्रेड एकदम रेडी है। एंड यस, बच्चों को थोड़ा सा ये वाले लुक में देने से उन्हें काफ़ी एंड मैं भी आपको दिखाती हूँ कि ये बाहर वाला लुक कैसे आता है बच्चों में। तो देखो ये यम्मी सा घर का हेल्दी बना सैंडविच, चीज सैंडविच रेडी है। तो अगर ये आपको भी वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।